वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. तो डियर स्टूडेंट, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस में आज की क्लास में एक और न्यू टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, नॉमिनल रेट एंड इफेक्टिव रेट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूले पे हम जाएं, फॉर्मूले को हम समझें, फॉर्मूले को लर्न करें. उससे पहले आपको समझना होगा कि नॉमिनल रेट क्या होता है और इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है. आइए इसको एक एग्जाम्पल से अच्छे तरीके से क्लियर करते हैं कि नॉमिनल रेट क्या होगा और इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा और कैसे ये दोनों एक दूसरे से अलग है. तो आइए सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं. देखो, पहले मैं आपको केस फर्स्ट पढ़ा रहा हूं, एग्जाम्पल नंबर वन. फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप किसी से एज अ प्रिंसिपल, आप किसी से एज अ प्रिंसिपल या कोई आपसे 10,000 रुपीज लोन लेता है, उधार लेता है, प्रिंसिपल है, ठीक है. और आपने उधार लिया किसी से और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने डिसाइड किया कि आपको जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम पे करना है, ठीक है. और टाइम आपका जो है रेट ऑफ 10% पर एनम है और टाइम आपका 1 ईयर है और जो इंटरेस्ट जो चार्जेबल है, इंटरेस्ट आपका चार्जेबल है वो हाफ ईयरली है. इंटरेस्ट जो चार्जेबल है वो आपका क्या है बच्चे, हाफ ईयरली है. तो पहले आप समझे यहाँ पर इस एग्जांपल से कि आपके पास में क्या इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है और क्या नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, इस पे देखेंगे कि आपका 10% क्या है, पर एनम है. तो आप यहाँ पर एज अ अमाउंट आप कैलकुलेट करेंगे. तो अमाउंट कैसे निकालेंगे, प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 + i / m^2 आपके पास में m × t, ये आपका अमाउंट का फॉर्मूला होता है. ऑलरेडी हम पहले क्लासेस ले चुके हैं, कॉन्सेप्ट डेवलप कर चुके हैं, तो अब आगे उसके आगे से ही बात करेंगे. तो अब यहाँ पर आप देखें बच्चे कि आपके पास में अमाउंट क्या क्रिएट होगा, आपके पास है प्रिंसिपल क्या है 10,000 रुपीज़ है ना, 1 + इंटरेस्ट क्या है 0.10 एंड m मीन्स आपके पास में m कैसे निकालते हैं आप वो देखो, m = 12/ आप कितने मंथ में इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, तो 6 m = क्या आएगा यहाँ पे आपका 2 आएगा. तो 2 एंड 2 इंटू टाइम आपका 1 ईयर है. तो आपको लग रहा है कि आपको 10% एक साल का ब्याज दे रहे हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं. तो 1 + आप इसको सॉल्व करेंगे, वन प्लस कैलकुलेटर यूज करें. पॉइंट 0.10/2, 0.05 / 2 एंड सम ऑफ अमाउंट आपका हो गया 10,000 एंड 1.05 / 2 एंड सम ऑफ अमाउंट = 10,000 एंड इसको सॉल्व करेंगे 1.05 × 1, 2, ठीक है बच्चे. तो कितना आ गया आपके पास में 1.157625 एंड इनटू 10,000. तो आपके पास में आ गया 11576.25. क्लियर है बच्चे, इसको आप समझिए कि आपको एक साल में कितना इंटरेस्ट मिला. अब आपको लग रहा है कि एक साल में आपको 10% आपने इंटरेस्ट पे करा है, पर आपने एक साल में 10% इंटरेस्ट पे नहीं किया, आपने 1 ईयर में मोर देन 10% आपने इंटरेस्ट पे किया है. कैसे, मैं आपको दिखाता हूं. अब देखो बच्चे, आप प्रिंसिपल कितना लिया था आपने, प्रिंसिपल आपने 10,000 रुपीज लोन लिया था, एज अ अमाउंट आपने कितना पे किया 11576
0.25 एज अमाउंट पे किया, तो एज अ इंटरेस्ट कितना पे किया आपने वन ईयर में? तो आपके पास पे माइनस 10,000 कर दो, तो आपने इंटरेस्ट पे कर दिया 1576.25 एज आपने इंटरेस्ट पे किया है। ठीक है बच्चे, फिर से देखो कितना इंटरेस्ट पे किया आपने, 1.05 × 10,000, तो आपका इंटरेस्ट चला गया आपका 11,576.25। ठीक है, और आपका एज इंटरेस्ट आपने ये पे कर दिया। अब देखो आपका इंटरेस्ट है कितना, ये रेट ऑफ परसेंटेज निकालोगे तो 1576.25/10,000 × 100, तो डिवाइडेड बाय कितना ज़्यादा पे किया आपने, 1576.25 डिवाइडेड बाय जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है 10,000 × 100। क्लियर है बच्चे? एक सेकेंड, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है बच्चे, सिचुएशन देखो यहां पर आपका क्या आएगा, 1.01025 × 10,000, तो क्या आएगा आपके पास में 11025। ठीक है बच्चे, अब आप यहाँ देखें कि आपने अदर प्रिंसिपल क्या दिया था, प्रिंसिपल आपने 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया और अदर अमाउंट क्या मिला आपका 11,025 रुपीज़। तो अब आप देखें आपको इंटरेस्ट क्या मिला, तो 1,025 रुपीज़, एंड परसेंटेज क्या है, ये परसेंटेज आपका 1,025 मिला आउट ऑफ 10,000, तो क्या ये 10% है जो आपने लिया था, जो आपने पे इतना किया ना एक साल के अंदर? अगर आप हाफ ईयरली पे कर रहे हैं तो क्या आप एक साल में आधा अमाउंट क्या पे करेंगे? तो एक साल में आधा अमाउंट पे किया, तो आपने जो आपने इंटरेस्ट पे किया 1,025 से कितना परसेंट है आपके प्रिंसिपल का, ये आपके प्रिंसिपल का कितना परसेंट है, तो ये परसेंटेज आपका 10.25% है ना? तो आपको लग क्या रहा था कि आप तो 10% इंटरेस्ट पे करने वाले, लेकिन आपने पे एक्चुअल में कितना किया है, आपने 10.25% पे किया है। अब आप सर कहोगे सर ये कैसे पॉसिबल है, जब 10% पे लिया था तो हमने 10.25% क्यों दिया, कि फॉर्मूला तो गलत नहीं है? नहीं बच्चे, आप इस बात को समझ नहीं रहे हैं। किस बात को, ये आपका लाइक 10,000 रुपीज़ है, ठीक है, फर्स्ट ईयर आप 5% आप पे करेंगे, अगर आप हाफ ईयरली आ रहे हैं तो 10% तो पे नहीं करेंगे, तो फर्स्ट ईयर आपके पास में 5% कितना आ जाएगा, 500 रुपीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर भी आप प्रिंसिपल पे करेंगे तो आपका 500 रुपीज़ प्लस, अब 6 मंथ में, नेक्स्ट ईयर नहीं, 6 मंथ, फर्स्ट 6 मंथ, ये 6 मंथ में, फर्स्ट रोटेशन में 6 मंथ में आप कितना पे करेंगे, 5% पे करेंगे ना, जो कि क्या होगा इसका 500 होगा, एंड 12 मंथ में आपके पास में 5% पे करेंगे जो कि कितना होगा 500 होगा। बस आपका क्या, ये आपका हाफ ईयरली है तो कंपाउंड इंटरेस्ट पड़ रहे हैं, जिसमें कि प्रीवियस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट चार्ज होगा, तो इस पे भी आपका 5% इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा ना बच्चे, तो इस पे भी जब 5% चार्ज हो जाएगा तो 25 रुपीज़ और चार्ज हो जाएगा, तो आपके इसकी वजह से आपको 25 रुपये पहले से ज़्यादा पे करने पड़ रहे हैं। आपको तो ऐसा लग रहा था अभी तक कि भैया इस पे 10% हम एक साल में पे कर देंगे तो 1,000 पे कर देंगे, बट आपने ये पे नहीं किया, आपने पे किया 1,025, आपने 25 रुपये आपने क्या किया, 25 रुपये आपने ज़्यादा पे किए। क्यों पे किए, बिकॉज आपका 6 मंथ 6 मंथ है, तो एक 6 महीने में जो इंटरेस्ट क्रिएट हुआ, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट एडजस्ट कर दिया 10% का 5%, बट जो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट आपका लगेगा, अगर वन एनुअली होता तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होता। तो बेसिकली इफेक्ट क्या हुआ इस 10% का, हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग एक साल में आपको कितना पे करना पड़ रहा है, 10% तो पे नहीं करना पड़ रहा, तो ये जो 10% आपको यहाँ पर लिखा हुआ है ना बच्चे, ये 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट,
इसको हम फेस रेट कहते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, फेस रेट। और जो मेंशन है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चे, नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं, नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसी को बोलते हैं हम। क्लियर है बच्चे? और जो ये देख रहे हो ना, जो इम्पैक्ट आ रहा है, इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव, ये इफेक्ट आ रहा है, इफेक्टिव रेट ऑफ, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब आप डिफरेंस कर पा रहे हैं कि नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, जो कि पर एनम मेंशन्ड है, बट आपको उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है एक साल के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये तभी चेंज आता है, नॉमिनल एंड इफेक्टिव में तभी डिफरेंस आता है, जब आप हाफ ईयरली चार्ज कर रहे हैं, क्वार्टरली चार्ज कर रहे हैं, मंथली चार्ज कर रहे हैं। अगर ऐसा हो कि एनुअली चार्जेबल है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, लाइक प्रिंसिपल आपके पास में बच्चे 10,000 एंड आपके पास में नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और आपके पास में टाइम 1 ईयर है और आप जो है एनुअल चार्ज कर रहे हैं, तो अगर आप एनुअल चार्ज कर रहे हैं तो यहाँ पर जो आपका रेफेस रेट ऑफ इंटरेस्ट है या फिर जो आपका नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये इफेक्टिव होगा। तो आपके पास में यहाँ पर आपके पास में इस सिचुएशन में जब आप एनुअल चार्ज करते हैं, एनुअल चार्ज करेंगे आप, तो जो नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है यही आपका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो पता लगा कि ये नॉमिनल एंड इफेक्टिव का खेल तब चालू होता है जब आपका क्वार्टरली एनुअली, तो इसलिए आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आपको नॉमिनल मेंशन होगा, भाई साल का इतना है, बट अगर वो मंथली चार्ज कर रहे हैं, क्वार्टरली चार्ज कर रहे हैं, हाफ ईयरली चार्ज कर रहे हैं, 3 मंथ में चार्ज कर रहे हैं, 4 मंथ में चार्जेबल है इंटरेस्ट, तो वहां पर पूरे साल का इंपैक्ट वो नहीं होगा जो कि वो मेंशन है, उससे ज्यादा इंपैक्ट होगा। क्लियर है बच्चे? तो इसलिए यहां पर आप कहोगे चलो ठीक है सर, ये बस समझ में आ गई, बट आप इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने कितना निकाला, यहां पर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आप देखेंगे तो आपका 10.25% निकला है, जबकि आपके पास में नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, 10% था। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, कैसे, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट को आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 1+i/m (=mn-1)। इसी क्वेश्चन में देख लेते हैं कर करके कि भैया 1+i क्या आपके पास में 0.05 आ गया ना, डिवाइडेड बाय m करके, और ये क्या आ गया आपके पास में 2n-1, एंड इफेक्टिव रेट ऑफ आपके पास में क्या हो गया, सॉल्व करेंगे तो 1.05 × तो आपके पास में 1.1025 एंड माइनस 1, एंड इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ गया आपके पास में, जब 1 माइनस कर देंगे आप यहाँ पे, तो 0.1025। क्लियर है बच्चे? समझ में आया आपको, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज में अगर आप एक्सप्रेस करेंगे तो क्या करो, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, तो E=10.25% हो जाएगा। क्लियर है बच्चे? तो देखो ये जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 10% पर एनम है, और इसको अगर आप हाफ ईयरली चार्ज कर रहे हो तो साल में इसका असर कितना दिखेगा, 10% नहीं दिखेगा, साल में इसका असर दिखेगा 10.25%। बात समझ में आई बच्चे? तो एनुअली क्या दिखेगा, 10.25% इसका इम्पैक्ट दिखेगा। तो ऐसे ही आप किसी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि आपका नॉमिनल गिवन है और हाफ ईयरली या क्वार्टरली चार्जेबल है, तो आप ये निकालो कि भैया साल में एक्चुअल इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बोलते हैं और इसको हम एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इसको हम बोलेंगे। बात समझ में आई बच्चे? क्या यहाँ तक कहानी क्लियर है आपको? चलो आगे क्वेश्चन जरा करो, ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आपको पहले मैं कंटिन्यूसली वाला आज नहीं करवा रहा हूँ, आज सिर्फ मैं ये करवा रहा हूँ। आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया, ऑलरेडी फॉर्मूला मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपसे, क्या होता है, व्हाट इज द इफेक्टिव रेट ऑफ
रेट इज इक्वलेंट टू द ऑफ टू अ सॉल्यूशन यूजिंग द नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% कन्वर्टेड क्वार्टरली। ठीक है, तो आपके पास में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 8%। ठीक है, जिसको आप एज आई यूज करेंगे तो 0.08। ठीक है, एंड आपके पास में जब ईयर मेंशन नहीं है तो टोटल टाइम क्या आप कंसीडर करेंगे 1 ईयर, और चार्जेबल क्या है क्वार्टरली। क्वार्टरली चार्जेबल है, क्वार्टरली मीन्स क्या होता है एवरी 3 मंथ में चार्जेबल है, तो डिवाइडेड बाय आपको क्या करना है एवरी 3 मंथ, इसका मतलब ये है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर m की वैल्यू निकालनी है, तो 12 ऑलवेज ऊपर आएगा और जिसमें चार्जेबल है वो नीचे आएगा, तो m इक्वल्स टू 4 हो गया। एंड इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपको ब्रैकेट 1 प्लस आई, आपके पास में 1 प्लस आई अपॉन m रेस टू पावर m इंटू टी, सिंपल माइनस 1 फॉर्म लगाइए तो क्या हो गया आपके पास में 1 प्लस आई, आई क्या आपके पास में 0.08 अपॉन m, m के आपके पास में बच्चे 4, और आपके पास में 4 इंटू 1 माइनस 1 e इक्वल्स टू 1 प्लस 0.02 माइनस 1, एंड सॉल्व करेंगे इसको बच्चे एंड रेज टू पावर 4, तो क्या हो गया 1.02, ठीक है, इनटू पावर 4 है, तो एक बार चार बार प्रेस करेंगे 1, 2, 3, 4। ठीक है बच्चे, तो कितना है हमारे पास में ये इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 1.1040, एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा माइनस 1, तो क्या आया 1.1040 और इनटू 100 कर देंगे तो क्या जाएगा 10.40। ये क्या हो गया इसका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। क्लियर है बच्चे, समझ में आ गया। हाँ कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, क्या है तुम्हारे पास में 1.08, ये इसमें मिस्टेक हो रही है बार बार, 1.02 इंटू 0.8243 इंटू 100, तो आपके पास में आ गया 100, तो आपके पास में आ गया 8.24%। ये है देखो बच्चे क्या है मेजर मिस्टेक क्या हो रहा है कि अगर 1.02 उसको चार बार मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पर 1 है ना, तो काउंटिंग चार बार करना तो 5 तक आनी चाहिए बस, तो हम चार बार प्रेस नहीं करना अगर पावर 4 यूज़ करना है तो 1, 2, 3, 4 गलत हो जाएगा। देखो अगर आप करते हो 1.02 इंटू 1, 2, 3, 4 ये आपका गलत हो जाएगा। पावर 4 का मतलब चार बार प्रेस नहीं करना है, जितनी पावर है उससे एक कम प्रेस करते हैं, 3 बार प्रेस करते हैं, या इसको छोड़ो कितनी बार प्रेस करते हैं, 1.02 है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है ना, तो एक बार ऑलरेडी काउंटेड है। ठीक है, जब तक इसके पास पे
जहाँ पर आपके पास जब 5 आ जाएगा ना लिखा हुआ कैलकुलेटर पे, तो बस छोड़ देना है आपको। दो बार मैं कॉमन मिस्टेक कर रहा था कि उतनी बार प्रेस करके लिख दे रहा था इसको। ठीक है बच्चे, क्लियर है?